रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजे और हमेशा खुश रखे, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं माश की दाल, या आधा किलो माश की दाल है, ये आधा किलो कीमा है, ठीक है। इसे आज हम पकाएंगे, ठीक है। ये 1.5 कप हमने घी का डाल लिया, ये देखिए गर्म हो गया। इसमें हम 2 अदद प्याज डाल देंगे, फ्राई करेंगे। ये इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 टेबल स्पून है, ये डाल देंगे। नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून है, ये साबुत गरम मसाला है, ये डाल देंगे। और ये सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून है, ये आपने इसमें जायका डालनी है। और ये हल्दी है, ये भी 1 टीस्पून है, ये डाल देंगे, ठीक है। मिक्स कर लेंगे। ये सुरख और सब्ज फल की हरी मिर्ची है, ये 1 टेबल स्पून डाल देंगे, पिसी हुई है, ठीक है। ये डाल मिक्स कर लेंगे। ये देखिए धनिया डाल देंगे, और ये 1/2 किलो कीमा ये ऐड कर देंगे, ठीक है। भून लेंगे। ये हमने भून लिया अच्छी तरह से। इसके बाद हम ये टमाटर डाल देंगे, 4 अदद टमाटर है, ये हमने ग्राइंड कर लिए। ये देखिए इसको डाल देंगे, भून लेंगे इसे अच्छी तरह से। टमाटरों का पानी खुशक होगा तो फिर आपको दिखा रखेंगे। थोड़ा पानी था हमने डालने के लिए, ये देखिए आप गल गया, तो इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर डाले थे इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ग्रेवी बन गई थी, इसके बाद हम ये पानी डाल देंगे। आधा किलो दाल थी और ये 3 ग्लास पानी के डाल दिए, ठीक है। दाल डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिक्स कर लेंगे। पानी खुश हो रहा है, पकाएंगे अभी से, अच्छी है।
सबसे पहले मैं ये गरम मसाला डाल दूंगी, ये 1 टेबल स्पून है, ये देखें, ठीक है। धनिया डाल देंगे, ये पुदीने के साथ पत्ते डाल देंगे, देखिए पुदीना डाल देंगे थोड़ा सा, दम लगा देंगे 10 मिनट के लिए, दम लगा देंगे, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। 2 टेबल स्पून ये घी डाला, इसमें ये अब 2-3 तेज़ पत्ते डाल देंगे, देखिए अदरक डाल देंगे, देखिए हरी मटर डाल देंगे कट लगा के, ठीक है। देखिए दाल को दम लग गया माशाल्लाह, ऐसे गल गई। हाँ ये देखिए कि अब इसके ऊपर हम ये तड़का डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह अदरक का तड़का लगा दिया, इसके बाद टुकड़े में डालेंगे अब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें माश की दाल और कीमा तैयार हो गया माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के रिज़क में बरकत और इजाफा करें, आमीन। खुश ज़ायका खुशबूदार मज़ेदार है इंशाल्लाह, ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। नसीम फूड स्पेशल सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, हमें अपनी दुआ में शामिल रखें, हम भी आपको अपनी दुआ में शामिल रखते हैं। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।